नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। 18 साल से कम आयु के बच्चे स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार नहीं चला सकेंगे। शासन ने इस पर रोक लगा दी है। यदि अभिभावक संरक्षक ने बच्चों को 2 या 4 पहिया वाहन चलाने को दिया तो उन्हें 3 साल तक की सजा के साथ ₹25,000 जुर्माना भुगतना होगा। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में नई धारा जोड़ी है। इसमें किशोर के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों को दंडित करने का प्रावधान है। ऐसे वाहन का पंजीकरण भी 1 साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। जो किशोर वाहन चलाते पकड़े जाएंगे उनका ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु के बाद बनेगा। माध्यमिक विद्यालयों में एक नए नियम के बारे में सख्ती बरतने के साथ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर विद्यालय में सड़क दुर्घटना सुरक्षा क्लब बनेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह देव ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत सभी कक्षाओं में एक एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी लगेगी। एक शिक्षक को नोडल शिक्षक बनाकर ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में ये बड़ी खबर आ रही है कि बच्चों को गाड़ी देने पर 3 साल तक की होगी जेल, भरना होगा ₹25,000 जुर्माना। पकड़े जाने पर किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र के बाद ही बनेगा। धन्यवाद।